कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से चीन के हवाले से पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी कर्नाटका में एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान राहुल गांधी ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात की और कहा कि लद्दाख पर पीएम का दावा सच नहीं, पूरा लद्दाख जानता है कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है। तो वहीं मरकजी पार्लियामानी वजीर प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल को चीन के मैप पर यकीन है, उन्हें अपने मुल्क के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के बयान पर भरोसा नहीं है। मैं तो सालों से कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और मैं लद्दाख से आया हूं भी, तो जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि लद्दाख में एक इंच जमीन नहीं गई है, ये सरासर झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चाइना ने हमारी जमीन हड़प ली है। तो ये मैप की बात तो बड़ी गंभीर है, मगर इन्होंने जमीन तो ले ली है, तो उसके बारे में भी प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहिए। मुझे लगता है राहुल गांधी को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये चीन ने जो किया है, मैप जो जारी किया है, उसके खंडन ऑलरेडी हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय ने किया है। दिस इज नंबर वन। नंबर टू, जो कुछ भी हुआ है, अगर हमारा लैंड चीन ने कुछ एनक्रोच किया है, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के कालखंड में हुआ है जी, इनको इतिहास पता नहीं है, तो इसलिए ऐसे बोलते ही रहते हैं। तो मैं राहुल गांधी को सिंपति व्यक्त करता हूँ कि लद्दाख में हुआ, और उनको चाइनीज के मैप के विश्वास है,